ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आइसोप्लेथ में आपका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। उससे पहले मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया है। सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल है आप लोगों का, तो हम लोगों को इसे प्रैक्टिकली बनाना होगा मैप में। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइसोप्लेथ क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी? आइसोप्लेथ जो वर्ड है, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम आइसोस। दो सिलेबल से बना हुआ है, आइसो और प्लेथ। आइसो मीन्स सेम, और प्लेथॉन, प्लेथॉन मीन्स मेजर, मतलब वो सेम मेजर। आइसोप्लेथ का अगर वर्ड वर्ड की मीनिंग देखेंगे, लिटरल मीनिंग, तो सेम मेजर। तो आइसोप्लेथ आर द लाइंस, वो लाइंस हैं जो सेम मेजर को ज्वाइन करती हैं, है ना। द आइसोप्लेथ आर लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ equal values, okay? The value may be in the form of quantity, intensity or density. वो कोई भी values हो सकती है। वो quantity को दर्शा सकता है, intensity को दिखा सकता है, या density को दिखा सकता है। Examples क्या है isoplath map के? Isobars हैं, which are lines joining places of equal pressure. फिर then है isotherms, which are the lines joining places of equal temperature. फिर आइसो हाइट्स है जो इक्वल रेनफॉल दिखाता है, आइसो बाथ्स है जो इक्वल डेप्थ दिखाता है। देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, इट शुड बी ओ। ओके, व्हेन देयर आइसो सीजनल, व्हिच शोस इक्वल अर्थक्वेक इंटेंसिटी, जो इक्वल अर्थक्वेक इंटेंसिटी है वो ये लाइन दर्शाता है। फिर आइसो नेव्स है जो इक्वल क्लाउडीनेस दिखाता है। ओके, आइसो हेलाइंस है जो ओशन में जो सैलिनिटी होती है, क्या कहते हैं उसको, खारियता जो होती है वो दर्शाता है। फिर आइसोजीन्स है जो इक्वल मैग्नेटिक वेरिएशन दिखाते हैं। इस तरह से बहुत सारे आइसोप्लेथ मैप्स होते हैं। ओके, द मोस्ट कॉमन आर जो हम लोग अपने वेदर मैप में भी पढ़ेंगे, वो होते हैं आइसोथर्म जो टेम्परेचर दर्शा रहा है, आइसोबार जो प्रेशर दिखाता है, और अगर ओशन पढ़ते हैं तो हम आइसो हलाइन भी देखते हैं, जहाँ पे हम लोग places of equal salinity या खारिता देखते हैं। ओके ओके सर, दिस इज द डेटा फॉर आइसोप्लेथ मैप। ये किसी एरिया का टेम्परेचर दर्शा रहा है, सपोज टेम्परेचर दर्शा रहा है, एंड यू हैव टू ड्रॉ आइसोथर्म्स एट 70, 75, 80 एंड 85 डिग्रीज फारेनहाइट इंटरवल। समझिए डेटा जो है वो फारेनहाइट्स में है। ओके, तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा? तो मैंने जो पहले आपको नोट्स प्रोवाइड किया था उसमें एक वो दिया गया था, फॉर्मूला दिया गया था। ओके, लेट्स सी द फॉर्मूला। ओके, सपोज ये जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, ये टेम्परेचर का डेटा है, और आपको 70, 75, 80 और 85 के इंटरवल पे आइसोथर्म लाइन बनानी है। क्योंकि ये टेम्परेचर है इसलिए आइसोथर्म है, लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे पहले आपको 70 का पॉइंट एक है ऑलरेडी, यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है। ओके, इसके पास हम वो एरियाज देखेंगे जहाँ पे 70 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर हो सकता है, तो हम वो डेटा निकालेंगे, इंटरपोलेट करेंगे, है ना, हम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, क्या मेथड होगा इसका? तो हम देखेंगे कि 70 डेटा और कहाँ पे हो सकता है। 70 जो है वो 71 और 73 के बीच में नहीं आएगा, 73 या 74 के बीच में नहीं आएगा। ये कहाँ पे आ सकता है? ये दिस विल कम हेयर बिटवीन 68 to 79, इसके आसपास। तो अब आप क्या करेंगे, ये दोनों चीजें, ये दोनों, ये जो पॉइंट्स है, ये दोनों, इन दोनों का आप डिस्टेंस मेजर करेंगे इन सेंटीमीटर्स। ओके, सपोज ये आपका 6 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, नाउ इसके बाद आप इन दो डिस्टेंस मेजर कर लिए, अब 71 - 62, ये दोनों जो पॉइंट्स है उसका डिफरेंस जो है कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 आ रहा है। 71 - 68 = 3। अब इसका पॉइंट कहा गया यहाँ पे 3 / 6 = 2। ओके, तो आप 2 सेंटीमीटर के इंटरवल पे पॉइंट लगाइएगा। 68 के बाद 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे क्या आएगा, 69, है ना, सॉरी। ओके, नाउ उसके बाद 69 के बाद 2 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 70। तो आपको एक 70 का पॉइंट मिल गया यहाँ पे। ओके, तो अब आपको बिल्कुल स्मूथली इस 70 को इस 70 से मिलाना है, ठीक है, एंड यू विल गो टू द एंड ऑफ द डायग्राम। ठीक है, अब क्या करना है, एक मिला दिया आपने, उसके बाद फिर देखना है कि 70 कहाँ पे आ सकता है। नौ आसपास देखेंगे हम, 66 और 73 के बीच में 70 आएगा। सेम काम करना है आपको, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, उसके बाद डिवाइड करना है। तो अंदाजे से मैं कर रही हूँ यहाँ पे लगभग, आई थिंक
यहाँ पे आना चाहिए 70, तो हम इसको फिर इससे लाइन से मिलाएंगे। नाउ 70 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, 69 टू 73 बीच में आएगा, तो हम लोग फिर इसको ऐसे मिलाएंगे। अब कहाँ पे आएगा, 69 और 72 के बीच में आएगा, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा हम लोग को, देन एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, फिर एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, उसके बाद उसको एंड पे मिला देंगे। ओके, ये हमें एक 70 डिग्रीज फारेनहाइट का एक आइसो लाइन मिल गया। उसके बाद हम लोग इस डायग्राम में यहाँ पे 70 डिग्रीज लिख देंगे, इधर भी एंड इधर भी। सिमिलरली अब हम 75 का पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। 75 का एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिला हुआ है, उसके बाद हम चारों तरफ देखेंगे कहाँ पे 75 का पॉइंट हो सकता है। ओके, नाउ 75 विल कम बिटवीन 74 एंड 78, सेम आपका प्रोसेस है। 74 78 का डिस्टेंस मेजर कीजिएगा, उसके बाद 78 माइनस 74 करके 75 को डिटरमाइन कीजिएगा कहाँ पे 75 आ सकता है। ओके, अंदाजे से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, फिर एक पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया है 74 77 के बीच में, ठीक है। तो इसको हम इस लाइन को स्मूथली इससे ऐसे मिलाएंगे। ओके, नाउ अब कहाँ पे 75 आ सकता है, बिटवीन 72 टू 77, सो इट विल कम समवेयर हियर। इसके बाद कहाँ पे आएगा, 73 और 78 के बीच में, तो मतलब ये लाइन जो ऐसे है, ठीक है। अब 74 और 79 के बीच में 75 आएगा, ये ऐसे चला जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे भी 75 लिख दीजिएगा। ओके, नाउ अब हमें क्या बनाना है, 80 का बनाना है। 80 का पॉइंट यहाँ पे हमें कहीं नहीं मिल रहा है, सो हम अंदाजे से निकालेंगे 80 पॉइंट कहाँ पे आ सकता है, ठीक है। ये 81 क्लोजेस्ट है ना, तो इसके बीच 78 और 81 के बीच में 80 कहाँ पे आएगा वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग, इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे कितना सेंटीमीटर है, 78 और 81 के बीच में कितना सेंटीमीटर आ रहा है। उसके बाद हम 81 को 78 से माइनस करेंगे और हमें एक पॉइंट निकाल लेंगे यहाँ पे। सपोज कीजिए 80 यहाँ पे आ रहे हैं, ओके, यहाँ पे भी 77 और 82 के बीच में भी 80 आएगा लगभग यहाँ पे, तो ये पॉइंट हम धीरे धीरे मिलाते जाएंगे। ओके, अब कहाँ पे 80 यहाँ पे आ सकता है, 75 और 81 के बीच में, है ना। उसके बाद कहाँ पे आएगा, 9 आगे पॉइंट हम देखेंगे, तो 78 और 83 के बीच में 80 आ सकता है, समवेयर हियर, ठीक है, बीच में। तो ये लाइन को हम ऐसे कर्व करके यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, 80। और देखिए एक 80 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है, एक 79 और 83 के बीच में 80 होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसे मिलाएंगे, नाउ इट्स 80 पॉइंट को ऐसे हम लोग मिला के ऐसे स्मूथली यहाँ पे ले आएंगे। तो इस लाइन के आगे हम लोग 80 डिग्रीज लिख देंगे, ठीक है, इधर भी और इधर भी, सेम प्रोसेस। नाउ 85 का करना है, 85 का पॉइंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, सेम प्रोसेस आप निकालेंगे यहाँ पे, समवेयर बिटवीन 82 87 85 आएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, है ना, एंड ओके, ये हमारा एक मैप बन गया। यही प्रोसेस आपका आइसोप्लेक्स मैप बनाने का। ओके, ये आप लोग को कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया कैसे कंस्ट्रक्ट करना है आइसोप्लेक्स मैप। ये भी एक डायग्राम है जहाँ पे आइसोप्लेक्स मैप बनाना है। देखिए यहाँ पे बनाना है आपको 10 डिग्रीज के इंटरवल पे आइसोप्लेक्स मैप। तो 10 डिग्रीज इंटरवल पे तो सबसे लोवेस्ट डाटा 28 है। आप देखेंगे कि सबसे लोवेस्ट डाटा क्या है, सबसे लोवेस्ट डाटा 28 है, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट क्या है, आई थिंक हाईएस्ट इज 104। तो हम 28 के बाद से कौन सा ये आएगा वैल्यू आ सकती है 10 डिग्रीज के इंटरवल पे, 28 के बाद 30 होगा, है ना, ठीक है। तो 30 40 50 60 एंड सो ऑन, उस पे इंटरवल पे आपको आइसो प्लेथ मैप बनाना है। तो आप उसी तरह से डेटा जैसे मैंने पिछले मैप में बताया कैसे इंटरपोलेट करते हैं, 28 और 34 के बीच में 30 कहाँ पड़ेगा वो पॉइंट आप निकालिएगा, है ना, यहाँ पे एक पॉइंट निकालिएगा, उसके बाद उसको आप 30 का मैप बनाएगा। क्योंकि 30 और कहीं नहीं आ रहा है, 28 34 के बीच में ही आएगा, सो आप इस तरीके से इसको ऐसे इसको मिला दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या बनाना है, 40 का बनाना है। इसके बाद आप देखिएगा 40 कहाँ पड़ने वाला है, 45 यहाँ पे लोवेस्ट है, 45 यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कहाँ पे आ सकता है, ठीक है।
इन दोनों के, अब 34 54 के बीच में 40 आएगा, 34 के 54 यहाँ पे आएगा, है ना। इस तरीके से आप इंटरपोलेट कीजिएगा कहाँ पे 40 आ सकता है रफली, है ना, ऐसे ऐसे करके 40 का आइसोप्लेथ बनेगा, ठीक है। इसके बाद 50, 50 का भी आप निकालिएगा कहाँ पे हो सकता है 50, है ना, इन दोनों लाइन से बीच में 50 हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है 50, आप डेटा निकालिएगा। फिर यहाँ इन दोनों लाइन के बीच में इधर हो सकती है 50, फिर यहाँ पे हो सकती है 50, इन दोनों लाइन के बीच में यहाँ पे होगी 50 कहीं पे, है ना, 45 53 में यहाँ पे होगी 50 कहीं पे, इधर पे होगी। तो आपको इस तरीके से ये वाली लाइन बना के, और आइसोप्लेथ मैप में सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, ये अपनी अलग अलग लाइन होती है, ये लाइंस कभी क्रॉस नहीं करेंगे। सी यहाँ पे 50 का एक आइसोप्लेथ मैप बना हुआ है, इस तरीके से 60 70 80 90 100 का बनाएंगे। उसके बाद क्या किया इन्होंने, इन्होंने फिर हर एक को शेडिंग दे दी है। अब मान लीजिए ये टेम्परेचर का डेटा है, तो 30 डिग्री से कम टेम्परेचर जहाँ पे है वहां पर उन्होंने कम शेडिंग दी है, मतलब उस तरीके से। उसके बाद क्या हाईएस्ट शेडिंग कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट है। तो डिफरेंट शेडिंग देके आप दिखा सकते हैं कि एक आइसोप्लेथ के जरिए आप डिफरेंट शेडिंग के मैप्स भी बना सकते हैं जो दिखाएगा इंटेंसिटी। अगर ये टेम्परेचर है तो टेम्परेचर की इंटेंसिटी दिखा रहा है, अगर ये रेनफॉल का डेटा है तो रेनफॉल की इंटेंसिटी दिखा रहा है। ओके, ये एक मैप है यूएसए का जिसमें डेटा दिया हुआ है, एयर टेम्परेचर मैप, इट्स ऑलरेडी रिटन। आपको ये होमवर्क है, आपको इसका 10 डिग्रीज के इंटरवल पे आइसो थर्म मैप बनाना है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी, ओके, 20 से स्टार्ट करिएगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, 80 तक आप लोगों को मैप बनाना है। ओके, ये आपको होमवर्क है, मैं आपको दिखा देती हूँ इसका रिजल्ट कैसा रहेगा। देखिए ये मैप कुछ ऐसा बनेगा। ओके, तो अगर आपने आप बना रहे हैं, आपका ये मैप ऐसा आ रहा है तो आप करेक्टली जा रहे हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे सारे पॉइंट्स दिए हुए, आपको सिर्फ मिलाना है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट होमवर्क क्या रहेगा कि इस मैप के बाद आप ऐसा कीजिएगा, आप 15 डिग्रीज के इंटरवल पे एक आइसो प्लेथ मैप बनाइएगा, तो उसका रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट आएगा। ओके, ये आपका एक्सरसाइज है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे आइसोप्लेथ बनाते हैं। कोई भी डिफिकल्टी होगी प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखिए या फिर मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।